भगवान जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पधारे हैं। राम जी क्या लीला कर रखे हो, आप रहने के लिए जगह मांगते हो, शर्म नहीं आती है? भगवान जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पधारे हैं। वाल्मीकि आश्रम तो आप जानते होंगे, ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी महर्षि वाल्मीकि, अद्वैत वेदांती कहो आप सीधा सीधा, ये खरा खरा बोलने वाले हैं। ये नहीं कि सामने वाला क्या चाहता है वह बोले, ऐसा नहीं है, स्पष्ट। राम जी बड़ी विनम्रता से महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज आपके दर्शन हुए, हम निहाल हो गए, अति आनंद आया। हाँ, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जी में तुम्हरे हाथा, आप त्रिकालदर्शी हो तो मुझे ये बताइए कि एक स्थान बता दीजिए जहाँ हम रह सके और हमारी वजह से किसी को कष्ट भी ना हो, जहाँ हमें 14 वर्ष तक रहना है। तो महर्षि वाल्मीकि को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमसे वो आदमी स्थान मांग रहा है, हैं? आश्चर्य है। राम जी क्या लीला कर रखे हो, हैं? आप रहने के लिए जगह मांगते हो, शर्म नहीं आती है? राम जी ने सोचा कि शायद ये कहेंगे तुम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हो, कहीं मर जहां मर्जी वहां रहो, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे थे। शायद राम जी आप भूल गए कि आप कौन हैं। मैं जानता हूं श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया जान के। जो सृजत जग पालक हरत रुख पाए कृपान धान के। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपान धान के। आप बताए कौन है? श्रुति सेतु, आप तो श्रुति सेतु पालक राम, संपूर्ण जगत के आप पालक हैं, जगदीश हैं आप। और ये जो आपके बगल में खड़ी है ना, ये और कोई नहीं, ये माया है, माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरति, ये कोई साधारण माया नहीं है, ये जगत का सर्जन करती है, पालन करती है और संहार भी कर देती है। हाँ, लेकिन आपके इशारे पे करती है। और ये जो आपके ये है ना बगल में छोटे भाई, मैं इनको भी जानता हूं, ये कौन है? जो सहस शीस अहिस महिधर, जो सहस शीस अहिस महिधर, लखनो सचरा
चर धनी सुर काज धर नर राज तनु च दलन खल निश्चर अरे श्रुति से तो पाक राम तुम। ये लक्ष्मण जी शेषावतार है, जो सहस शीश हजार फने वाले फन वाले ये सर हैं, अही सर्पों के राजा हैं, भूमि को धारण करने वाले हैं ये। लेकिन आप तीनों जो आए हैं ना, सुर काज धरी नरराज तनु, देवताओं के कार्य करने के लिए आपने मनुष्य का रूप धारण किया है, लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझसे कह रहे कि मैं कहां रहूं। राम जग पेखनु तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउ न जान ही मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। ये जगत एक तमाशा है, तुम देखने वाले हो, है ना, सबको नचाने वाले हो, कोई भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानता, समझे। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है, संभल कर देखना जलवे मोहब्बत वालों, संभल कर देखना जलवा आए मोहब्बत वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये संसार एक तमाशा है, हम सब देखने वाले हैं। जैसे आप थिएटर में सिनेमा देखने जाते हो, अरे कभी तो गए होंगे, तो वहां बैठने का सिस्टम अलग अलग होता है ना, कोई पर्दे के समीप होके बैठता है, कोई थोड़ा पीछे बैठता है, कोई ऊपर बैठता है। सबसे महंगी वाली सीट कहाँ की होती है, दूर वाले की नजदीक वाले, है? इसका मतलब अनुभव है, दूर वाली सीट महंगी। हमको भी बड़ा, पहली बार जब मैं गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, अरे हम पैसा देकर आगे बैठेंगे, पीछे क्यों बैठेंगे, बोले पागल चलो पीछे। वहां उसका अब बाद में हमने मीनिंग उसका समझा कि भाई क्यों पीछे बैठाते हैं। मैंने ये देखा, आगे बैठ के भी देखा, एक बार ट्राई किया, आगे बैठने वाले पर्दे के ज्यादा टच में होते हैं, तो बहुत ज्यादा वो फीलिंग करते हैं। लेकिन मैं देखा कि सबसे ऊपर बाल्मीकि में बैठे वाला आदमी पापड़ भी खा रहा है, चिप्स भी खा रहा है, कॉर्न खा रहा है और मजे ले लेकर खा रहा है, लेकिन आगे बैठने वाला आदमी रोता है। एक आदमी, अब गांव में सिनेमा घर बना, गांव के बाजार भी होते हैं ना छोटे छोटे कस्बे में, तो एक आदमी किसान था, लाठी लेके ही अंदर चला गया। किसान आदमी को मना नहीं किया, चलो बूढ़ा आदमी है चलो। अब उस सिनेमा में चालू हो गया तो क्या देखा कि एक सांप निकला उसमें, तो सांप ऐसे करके चलने लगा, तो उसने देखा किसान ने कि हे भगवान सांप तो हमारी तरफ भी आ रहा। फिर उसने देखा कि चारों तरफ पलट के कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, सब खाली मूर्ति बन के बैठा हुआ है। अरे तुम देखो तो सही, सांप निकला है, दौड़ो दौड़ो। लोगों ने कहे बाबा चुपचाप बैठो, डिस्टर्ब ना करो किसी को, क्यों डिस्टर्ब करते हो, आगे बैठ करके। तो उसने, लोगों ने दाब दिया तो चुप रहा, फिर देखा कि सांप चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है उससे रहा नहीं गया, क्या हुआ, एक कन्या का अपहरण हो रहा था, कोई उसको बदमाश उसको उसका पीछा कर रहा था, तो उसने सोचा अब तो ये लोग बचाएंगे। फिर देखा इधर उधर कोई नहीं बचा रहा है, एकदम
उसी के पास ही आ गया, पास बैठा था, उससे राय नहीं गया, उसने उठाया लाठी और दो तीन जमा दिया उसी पर्दे के ऊपर, फटाक लोगों ने कहा कि बाबा चौपट कर दिया, सब खेल खत्म कर दिया। तमाशा देखने आए था, तमाशा खुद बन गया। मेरा यही कहना है आपसे, संसार एक तमाशा है, इसको देखिए। सभी लोग तमाशा देख रहे हैं, फर्क है कुछ लोग पर्दे के टच में देख रहे हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हैं, कोई फोर्थ फ्लोर से देख रहे हैं, कोई बालकनी से भी देख रहे हैं। समझ गए, आपकी समस्या का आप तमाशा में शामिल हो जा रहे हैं, एकदम पर्दे के निकट रहेंगे तो शामिल हो ही जाएंगे। कुछ साधु संत थोड़ी दूरी से देख रहे हैं, हनुमान जी भी तमाशा देख रहे हैं लेकिन बालकनी में बैठ के देख रहे हैं, आनंद लेते हैं। संसार का आनंद लेना चाहते हो थोड़ी दूरी बनाओ तो ही आनंद ले पाओगे, नहीं तो पर्दे में सट गए तो कुछ आनंद मिलने वाला नहीं है। समझे कुछ के नहीं? यदि संसार का आपको आनंद लेना है, जीवन का आनंद लेना है, थोड़ी दूरी बना के लो, आपको बहुत आनंद आएगा उसमें। संसार में ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे ना, तो आप तमाशा देखने वाले से कब खुद तमाशा बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आओ, महर्षि वाल्मीकि ने राम जी को 14 स्थान बताए, कितने? 14 वर्ष के लिए मांगा था तो 14 स्थान बता दिए। कहा कि प्रभु सुनहु राम अब कहो निकेता, अब हम स्थान आपको बता रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके कान समुद्र की तरह हो, कथा रूपी नदियां समुद्र में जाकर समाती हो लेकिन भर ही निरंतर हो ही ना, खूब कथा सुने लेकिन मन कभी जिसका भरे ही नहीं। अच्छा, आप लोगों ने राम कथा कितनी बार सुनी होगी, जरा हाथ उठाना बताना मुझे, उंगली बताओ, 1, 2, 3, 4, 5 बार। अच्छा, पहली बार कौन कौन सुन रहे, जरा हाथ उठाना। अरे भाई क्या बात है, पहली बार है प्रधान जी, लगता है फिर कथा होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी यहाँ है। अच्छा जी, इसका मतलब फिर से आयोजन करना पड़ेगा इनको, तब होगा काम। प्रधान जी, एक बार से काम नहीं चलेगा, देखो पहली बार वाले ज्यादा ग्राहक है यहाँ, और राम कथा एक बार में कुछ होता ही नहीं है, ये हमको पता है हम कितने स्पीड में आपको लेके जा रहे हैं। राम कथा केवट प्रसंग अकेला 3 घंटे का है, अकेला केवट प्रसंग। हम आपको आप सीधे अब वाल्मीकि जी का प्रसंग 1 घंटे का है, लेकिन आपको मैं ले जाऊंगा श्रवण कुमार के प्रसंग में सीधे। 14 स्थान बताए भाई साहब, जिनके आंखें दर्शन के लिए ललायित हो, भगवान के दर्शन करे। लोचन चातक जिनकरी राखे, रहाई दर्श जलधर अभिलाखे। चातक एक पक्षी होता है, चातक सफेद रंग का पक्षी होता है, बड़ा बड़ा होता है, और वो स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उसकी बूंद के लिए ऐसे मुंह ऊपर करके रखता है, डायरेक्ट एक बूंद मिल जाए साल भर पानी पीता ही नहीं, वो साल भर पानी नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र जब आता है तो अपना मुंह ऊपर कर लेता है, ईश्वर उनको भी 2-4 बूंद दे ही देता है। सोचिए, निदरई सरिस सिंधु सर भारी, सरिता है, सरोवर है, नदियां है, समुद्र है, सबका निरादर करके रूप बिंदु जल होई सुखारे, एक बूंद मिल जाए उसी से सुख हो जाता, सुखी हो जाता है।